बिग बॉस सीजन 17 के रनर अप अभिषेक कुमार फाइनली इंटरव्यूज अपने वर्किंग शेड्यूल के बाद में अपने होम टाउन गोविंदगढ़ पहुंचे तो उनके पीछे भी हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई और अभिषेक की एक झलक पाने के लिए भारी मात्रा में भीड़ हमें गलियों में कस्बों में देखने को मिली। अभिषेक के नाम के साथ श्रीराम के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे थे। ये देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश थे कि उनका हीरो अपने होम टाउन लौट आया है। जश्न का माहौल हर तरफ देखने को मिला और तो और प्रसादी भी बांटी गई अभिषेक के लिए। अभिषेक अपने लिए इतना प्यार देखकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए और अपने गाड़ी में सनरूफ से चेहरा निकाल कर उन्होंने भी अपने फैंस को अभिवादन किया। उनके पीछे पीछे गाड़ियों का काफिला लग गया और उनके लिए भीड़ यहाँ पर डांस करती हुई नजर आई। अभिषेक कुमार ने कई इवेंट भी यहाँ पर ज्वाइन किए और खुद भी वो नाचते हुए थिरकते हुए नजर आए। कहीं पर उन्होंने जाकर केक कटिंग की और अपने फैंस में बांटे तो कई जगह पर भंडारा भी खोल दिया गया। अभिषेक की झलक पाने के साथ साथ फैंस काफी ज्यादा मजे में थे और साथ ही साथ श्री राम के नारे वहां पर लग रहे थे क्योंकि प्रभु श्री राम को काफी बार याद किया था बिग बॉस के घर के अंदर अभिषेक कुमार ने और अपने धर्म सनातन को उन्होंने सबसे ऊपर रखा था। बिग बॉस के घर में एक भी दिन ऐसा नहीं था जहाँ अभिषेक कुमार ने सुबह उठने के साथ हाथ ना जोड़े थे। एकमात्र ऐसे कंटेस्टेंट थे जो सबसे पहले हाथ जोड़ते थे और फिर कोई दूसरे एक्टिविटी करते थे। उनके मुंह से कई बार राम जी का नाम नहीं निकलता था। आपको क्या कहना है अभिषेक और उनके फैन के बारे में कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब देखो देखो यूट्यूब चैनल।